रोहित चहल बताइए, लोकल इशू कहीं ना कहीं इशू रहते हैं, लोकल कैंडिडेट पे बहुत कुछ निर्भर रहता है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से निशांत जी को मैं सुन रहा था, देखिए जहां तक आप बात कर रहे थे कि पीटने वाली, तो पीटा तो अमेठी की जनता ने राहुल गांधी तो कहा। अब वो राहुल गांधी वहां से भागे कहां और कहां गए, उसको पीटना कहते हैं, उसको धोबी पछाड़ कहते हैं जो स्मृति ईरानी ने वहां पर दी थी उनको, तो उसको मत भूलिए आप लोग। निशांत जी के सच है, कब तक देखिए, हम तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आदमी है, और आज भी जनता ने हमें इस तरीके से नहीं किया कि बिल्कुल नकार दिया जनता ने। जनता ने कहा, जनता का अगर आप देखें, जनता का आशीर्वाद आज भी हमें मिला है, और आज सबसे बड़ी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी आज भी चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, और चाहे झारखंड में हो, तो उसका एक कारण है क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया है। एक मिनट क्या कीजिए, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, रोहित चहल बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको झारखंड की जनता ने सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी चुना है। कर्नाटक की जनता ने आपको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी चुना था, महाराष्ट्र की जनता ने आपको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी चुना था, हरियाणा की जनता ने आपको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी चुना था, झारखंड की जनता ने आपको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी चुना है। रुकिए, पर सरकार कैसे बनाएंगे आप? देखिए मैं रुकिए ना सरकार कैसे बनाएंगे आप? अभी परिणाम तो आने दीजिए सर, सरकार भी आनंद जी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको सोचने की जरूरत है, आप भी ग्राउंड पे काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। आपको बड़ी पार्टी बनाती है लेकिन मेजोरिटी नहीं देती है, जनता आपको बड़ी पार्टी बनाती है लेकिन बहुमत नहीं देती है। देखिए आनंद जी, मुझे लगता है कि अब पूरा अगर नतीजे आ जाएंगे, नतीजे आने के बाद इस बात पे चर्चा करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन मैं मानता हूँ जहाँ जो कमी रही है हम बिल्कुल उसको स्वीकार करते हैं, उसको ठीक करने का काम करेंगे, और हमारे जहाँ तक बैठ के चिंतन मंथन करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के आकलन, कुछ लोगों के गुरूर और कुछ लोगों के काम पर क्या जनता खुश नहीं है, यही क्या मैसेज स्टेट आफ्टर स्टेट बीजेपी को मिल रहा है ग्राउंड पर?